CSS वर्सेस टेलविंड CSS। वेबसाइट जर्नी में आपने CSS वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, बट 2023 में कौन स्मार्टली, एफिशिएंटली और कम टाइम में वेबसाइट क्रिएट करके लॉन्च कर सकता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर टेलविंड CSS आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो CSS और टेलविंड CSS में ऐसे क्या डिफरेंसेस है, उसमें ऐसी क्या खास बात है टेलविंड CSS में कि वो इसको बेटर बनाता है बाकी चीज़ों से, और क्या बूटस्ट्रैप क्लासेस इसमें यूज़ करनी पड़ती है या फिर उसके बिना ही बहुत सारा काम हो जाता है। एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ में सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, किस तरीके से टेलविंड CSS की मदद से वेबसाइट क्रिएशन जर्नी को आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है और वीडियोस तो आपको पसंद आ ही रहे हैं। तो भाई शुरू करते हैं कि ऐसे क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक एंकर टैग है, ठीक है, एक एंकर लिंक है codesify.com। इसको हम होवर प्रॉपर्टी जब CSS में लगाते थे तो CSS में हम उसे इस तरीके से लिखते थे कि ऊपर एक स्टाइल टैग में क्लास नेम कोलन होवर और उसमें जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो करते थे हम, राइट। बट टेलविंड CSS में ये आप एक ही लाइन में कर सकते हैं बिना HTML को छोड़े, ठीक है। यही इसका मेन एडवांटेज है कि उसमें क्लास नेम्स बहुत सारे अवेलेबल है, तो उसके हेल्प से आप डायरेक्टली वहीं के वहीं चेंजेस करके वेबसाइट को फास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रेफरेंस की बात है कि CSS आपको ज़्यादा बेटर लगता है या टेलविंड CSS। अगर आपको इनलाइन वहीं के वहीं क्लास के नेम्स के थ्रू अगर आपको चीज़ें चाहिए तो टेलविंड CSS बेस्ट है। वही अगर आपको CSS में टॉप पैडिंग देना है तो वहाँ पे पैडिंग टॉप हम यूज़ करते थे प्रॉपर्टी, और टेलविंड CSS में ये PT, तो P डिनोट्स फॉर पैडिंग और T फॉर टॉप, PT- जो भी आपको पैडिंग देना है वहीं के वहीं क्लास में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको पैडिंग बॉटम देना रहता था तो आप पैडिंग बॉटम यूज़ करते थे CSS में, वही टेलविंड CSS में आप PB फॉर बॉटम, P फॉर पैडिंग और डैश में जो भी आपको नंबर देना है आप दे सकते हैं। वही अगर लेफ्ट से देना है तो PL- जो भी नंबर है, राइट से देना है तो PR जो भी नंबर है, और अगर आपको हॉरिजेंटली यूज़ करना है पैडिंग को तो आप PX यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में दोनों साइड से स्पेसिंग ऐड हो गया। वही हॉरिजेंटली आपको PY यूज़ करना पड़ता है तो हॉरिजेंटली आपके इसमें स्पेसिंग ऐड हो जाती है। एक और ख़ास बात है कि इसमें आपको मीडिया क्वेरीज यूज़ नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली आप इसमें मोबाइल और बड़े स्क्रीन्स के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को एक ही लाइन में। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रिड है तो आपको बिग स्क्रीन में रो में चाहिए और स्मॉल स्क्रीन्स में आपको कॉलम्स में चाहिए। मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल होगा तो चीज़ें आपको इस फैशन में चाहिए, और वेबसाइट में बड़ी स्पेस है तो आपको रो फैशन में चाहिए। तो उस केस में फ्लेक्स कॉल, कॉल मतलब कॉलम, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर देता है। पर मीडियम या फिर बड़े स्क्रीन्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं MD: और जो भी आपको फ्लेक्स रो करना है तो आप रो कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिवनेस भी हैंडल कर देता है टेलविंड CSS। वैसे ही टेक्स्ट के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे फॉन्ट बोल्ड। बिना बोल्ड टैग के यूज़ किए भी आप यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड क्लास का यूज़ करके डायरेक्टली बोल्ड कर सकते हैं। वही टेक्स्ट साइज़ के लिए टेक्स्ट 4XL, 5XL जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अब इन सारे क्लासेस के नेम्स जो है ना वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है। सिर्फ सर्च बॉक्स में आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप सर्च में लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती है। बस आपको उसको कैसे यूज़ करना है HTML में वो आपको आना चाहिए। वही अब एक लाइव प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे यूज़ करें, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप टेलविंड CSS में वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजीली सारी चीज़ों को यूज़ करके क्विकली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टेलविंड CSS सर्च करेंगे गूगल पे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे प्ले CDN का एक टैब है, जो ये बेसिक कोड है हम ये लेंगे। यहाँ पे CDN अवेलेबल है टेलविंड CSS का, इसकी मदद से ही आप सारी क्लासेस जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे टेलविंड डेमो नाम का, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल मैंने क्रिएट किया, इसका कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। इस फाइल में हम जो वो कोड हमने कॉपी किया वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे तो जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने हेडिंग प्रिंट की हुई है। इस हेडिंग को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमने ये जो क्लास के नेम्स है ना ये ऑलरेडी अवेलेबल है,
हमें जैसे पहले हमें बोल्ड करना रहता था टेक्स्ट को तो हम बी टैग यूज़ करते थे राइट, बस अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल है फॉन्ट बोल्ड, इससे ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पे आपका आउटपुट में दिखेगी। वैसे ही अंडरलाइन डायरेक्टली लिख दिए तो अंडरलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट 3XL तो इसकी साइज़ ऑटोमेटिक बिग इसकी साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी राइट। अब इन क्लासेस का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो एक दो वेबसाइट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास अवेलेबल है, पर अगर शुरुआत में अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट करेंगे तो टेलविंड CSS के डॉक्यूमेंटेशन में क्विक सर्च है, बस यहाँ पर मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे अवेलेबल है प्रॉपर्टीज़ वो सारी आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए सारी यहाँ पे अवेलेबल सारी क्लासेस के नेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, इनको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ आपको बस समझनी है, बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि अगर आपको रेड कलर चाहिए तो ये आप यूज़ कर सकते हैं राइट। तो इस तरीके से क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे फॉन्ट चाहिए फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज़ के लिए ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है टेक्स्ट SM क्लास टेक्स्ट लार्ज, तो इनका बस यूज़ करके आपको वेबसाइट को क्रिएट करना है राइट। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नैव बार क्रिएट करेंगे, ठीक है। नैव बार उसमें हमें पहला जो ऑप्शन है वो है लोगो, ठीक है। पहला जो ये सेक्शन है लोगो का, फिर टैब्स है, फिर एक बटन है। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक नैव बार कंटेनर क्रिएट करेंगे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम दे दूँगा नैव बार कंटेनर, ठीक है। अब इसको इसमें हमें नैव क्रिएट करना है एक, ठीक है। अब इस नैव के अंदर हमें एक लोगो सेक्शन चाहिए, ठीक है, इसको मैं डिव दे देता हूँ। और इस नैव कंटेनर के अंदर हमें एक टैब्स का कंटेनर चाहिए, टैब्स कंटेनर, ठीक है, इसको भी मैं एक डिव में असाइन कर देता हूँ। फिर हमें एक बटन चाहिए राइट साइड में, जिसको मैं गेट स्टार्टेड बटन का नाम दे देता हूँ। अब इसमें हमें क्लासेस ऐड करनी है राइट, तो क्लासेस किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कंटेनर MX ऑटो, हॉरिजेंटली मार्जिन उसमें ऐड कर देगा वो ऑटो, और हम यूज़ करेंगे पैडिंग 6, ठीक है। चारों साइड से पैडिंग आ जाएगी, लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम। अब आप देखेंगे तो ये जो लोगो सेक्शन है और एक टैब्स का जो सेक्शन है और ये एक कंटेनर में हमें लगेगा राइट, ये तीनों चीज़ें एक ही कंटेनर में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक फ्लेक्स कंटेनर में ऐड कर देंगे, फ्लेक्स कंटेनर। तो CSS में जैसे हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं ना, फ्लेक्स रो फ्लेक्स कॉलम, ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर देता है चीज़ें राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, तो मैं एक डिव क्रिएट कर देता हूँ और इस इन सबको इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स कंटेनर। अब इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पे एक क्लास लगेगी जिसका नाम है फ्लेक्स, ठीक है। इसमें सारे आइटम्स हमें सेंटर में चाहिए और जस्टिफाई बिटवीन क्लास हम यूज़ करेंगे। अब लोगो सेक्शन के लिए हमें एक इमेज लगेगी, इमेज SRC, और यहाँ पे मैं अपना इमेज ऐड कर देता हूँ लोगो का, ठीक है। इसको हाइट दे देंगे 40 और विड्थ मैं 40 दे देता हूँ। ये हो गया हमारा इमेज, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ पैडिंग टॉप 2। अब ये हमने जैसे कि हमने इंट्रो सेशन में देखा कि किस तरीके से पैडिंग आप दे सकते हैं टेलविंड CSS में, तो यहाँ पे T डिनोट्स टॉप और P डिनोट्स पैडिंग, 2 मतलब ऊपर से 2 पिक्सल। इसको अभी रन करके देखते हैं किस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। ये पैडिंग टॉप, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको 20 दे देता हूँ तो आप देखेंगे कि पैडिंग से ये 20 पिक्सल ऊपर से टॉप में आया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब टैब्स हमें लगेंगी, तो इसको मैं A टैग दे देता हूँ, ठीक है। एक लिंक यहाँ पे बना देते हैं HREF#, ठीक है। अब होम टैब हो गया, एक प्राइजिंग एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्राइजिंग एक प्रोडक्ट्स, और एक कॉन्टैक्ट नाम का मैं एक टैब ले लेता हूँ यहाँ पर। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर में असाइन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम्स सेंटर यूज़ किया हुआ है राइट, और जस्टिफाई बिटवीन। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इन टैब्स के बीच में भी स्पेसिंग चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, क्लास में स्पेस X
6, ठीक है। ये हमने देखा कि स्पेस एक्स प्रॉपर्टी हमने देखे कि ये हॉरिजेंटली सारे चारों दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से इसको होम को स्पेस दे देगा, सिमिलरली प्राइसिंग को। इसको रन करके देखते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेसिंग ऐड हो गई। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जब भी मैं इस लिंक पे होवर करूँ या कर्सर लेके आऊँ तो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाना चाहिए। CSS में अगर हमें ये करना रहता तो हमें यहाँ पे होवर सिलेक्टर ऐड करना पड़ता था, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब टेलविन CSS में बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर ही मैं बस डायरेक्टली उसे क्लास दे दूँगा होवर, और मुझे जो भी कलर चाहिए, अब मुझे कलर के नाम याद नहीं है अगर, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टेक्स्ट कलर। जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसको ग्रे कलर यूज़ करेंगे, स्लेट 400, ठीक है। होवर पे हमें ये कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको टेक्स्ट स्लेट 400 कर दूँगा। बस यही आपको हर चीज़ हर जगह पे चाहिए तो आप यहाँ पे क्लास में ऐड कर सकते हैं इजीली। अब इसको अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली होवर का इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। इसी को ही टेलविंड CSS में स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेट नाम से इसमें इन्होंने वर्ड दिया है। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो गेट स्टार्टेड बटन है इसको बैकग्राउंड कलर हमें देना है, राइट। तो बैकग्राउंड कलर अब मुझे अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए ऑरेंज बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ से उठाऊँगा बैकग्राउंड ऑरेंज 400, ठीक है। ये क्लास को यूज़ करके हम लोग कलर देंगे बैकग्राउंड कलर, और हमें होवर प्रॉपर्टी ऐड करना, होवर स्टेट ऐड करना है कि जब भी होवर हो उस बटन पे तो उसका जो बैकग्राउंड है वो हमें चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे बैकग्राउंड VG ऑरेंज 300 से, जब भी उस पर होवर होगा, ठीक है। ये हो गया गेट स्टार्टेड। अब इसको रन करके देखते हैं, देखिए अब इसमें ना पैडिंग है, सिर्फ इसमें होवर इफेक्ट लग गया है पर इसमें पैडिंग प्रॉपरली नहीं है। हमें इस तरीके का बटन यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली हमें यहाँ पे पैडिंग ऐड करना है। चारों साइड से आपको कितनी पैडिंग चाहिए, और उसके बाद में हम लोग को राउंडेड चाहिए, ठीक है। राउंडेड के लिए हम राउंडेड फुल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राउंडेड फुल क्लास का नेम यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आ गया। अब इसमें हमें जो टेक्स्ट का कलर है वो टेक्स्ट वाइट चाहिए, तो वो भी हमने क्रिएट कर ही दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है नेव बार, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हीरो सेक्शन के लिए यहाँ पे हम उसे नेम दे देंगे हीरो सेक्शन, ठीक है, ताकि रीड करने में कोड को बहुत इजी हो जाता है कमेंट से। एक सेक्शन हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उसको आईडी हम दे देंगे हीरो, सिंपल। अब यहाँ पर हीरो सेक्शन में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक लेफ्ट डिव और एक राइट डिव। लेफ्ट डिव में क्या क्या है, एक टाइटल और पैराग्राफ और बटन, और राइट साइड में एक इमेज है, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेव डॉट कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में पहले इसको क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें फ्लेक्स क्लास यूज़ करके हम फ्लेक्स कॉल करेंगे, ठीक है। हमें कॉलम्स चाहिए, दो कॉलम चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो लेफ्ट आइटम है इसको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट आइटम, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें एक डिव और क्रिएट करना पड़ेगा लेफ्ट आइटम के लिए, जिसको मैं नाम दे दूँगा क्लास फ्लेक्स, और ये भी हमारा रहेगा फ्लेक्स कॉल, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा पहला है हेडिंग, हेडिंग में हमने लिखा सिंप्लीफाइड कोडिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ हम यूज़ करेंगे, जो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ पैराग्राफ, और एक बटन है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे ऊपर, उसी को यहाँ पे रीयूज़ करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से विजिबल हो रहा है, देखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने पूरी विड्थ ले ली फ्लेक्स बॉक्स ने, और बटन का साइज़ आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेट कर देंगे कि मीडियम और बिग स्क्रीन्स, मतलब बेसिक मीडियम स्क्रीन या फिर उससे बड़ी स्क्रीन्स के लिए हम विड्थ असाइन कर देंगे कि हाफ़ रहनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, विड्थ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि हाफ़ ही विड्थ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो ये हो गया हमारा हाफ़ विड्थ। अब इसमें आप देखेंगे तो मार्जिन और स्पेसिंग वगैरह हैंडल नहीं की हुई है, तो वो सबसे पहले हैंडल करेंगे हम लोग। उसके लिए आपको यहाँ पे MX Auto हम यूज़ कर देंगे,
ठीक है, इससे मार्जिन और ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं एक बार, देखिए ऑटोमेटिक वो मार्जिन हैंडल कर देता है। उसके बाद में पैडिंग हम सेट कर देंगे, पैडिंग टॉप हम सेट कर देते हैं यहाँ से 20 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग टॉप हमारी सेट होगी। अब हेडिंग जो है, हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है फॉन्ट बोल्ड। और टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हम 3XL कर देंगे, ठीक है। अब ये क्लास का नाम मैंने कहाँ से लाया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसे फॉन्ट साइज़ में। ये देखिए टेक्स्ट एक्सेल, इस तरीके से आप यहाँ से चीज़ों को देखकर कर सकते हैं। अब हमें चाहिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए और, तो उसको साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे, 4XL कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैडिंग बॉटम अवेलेबल है, तो पैडिंग बॉटम में यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया। अब आर यू बिगिनर में हमें जो टेक्स्ट का कलर चाहिए वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, तो टेक्स्ट का कलर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्लेट 400, जो हमने पहले यहाँ पे यूज़ किए थे वही कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइटिश कलर हो गया यहाँ पे। अब ये जो बटन है ना, इसका विड्थ एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक फ्लेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, इसको एक डिव में ऐड कर देता हूँ मैं। अब ये जो जस्टिफाई सेंटर है ये क्यों यूज़ किए यहाँ पे, देखिए जब भी हम इसको स्क्रीन को स्मॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो बटन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल हो चुका है। अब आपको टेलविंड सीएसएस का मैजिक यहाँ पे समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिवनेस हम डायरेक्टली यहीं से ही हैंडल कर सकते हैं। MD जैसे मुझे बड़ी यानी मीडियम या फिर बिग स्क्रीन्स के लिए बटन सेंटर में नहीं चाहिए, स्टार्ट में चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हैंडलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर मार्जिन जो है वो थोड़ी सी हम दे देते हैं मार्जिन टॉप, इसको मैं 8 ऐड कर देता हूँ प्रॉपरली इस तरीके से। ये ज़्यादा हो गई मार्जिन, इसको थोड़ा कम कर देते हैं मार्जिन 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली हमने हीरो सेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी डिव के अंदर ये जो कंटेनर हमने क्रिएट किया, इसके राइट साइड में हमें एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने हाफ विड्थ का लिए थे ना, वैसे यहाँ पर भी हम हाफ विड्थ का लेंगे। इसको डिव कर देंगे और यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर दूँगा, इमेज SRC, और इमेज का नाम मैं यहाँ पर दे दूँगा टेलविंड CSS हीरो, क्योंकि ये इमेज को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ये इमेज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर में मैंने ये इमेज ऐड कर दिया यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इमेज नीचे आई। अब ये इमेज नीचे क्यों आई, यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम मैं आपके सामने क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब फ्लेक्स का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक फ्लेक्स रो है, ठीक है, ये रो में हमारा ये पहला आइटम है। फर्स्ट आइटम मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, ये जो सिंप्लीफाइड कोडिंग है ना, ये लेफ्ट आइटम, ये हमारा फर्स्ट आइटम है, ठीक है। सेकेंड आइटम हमारा इमेज है। ऐसे हम कितने भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, किसकी मदद से, फ्लेक्स रो की मदद से। अभी हमने क्या यूज़ किया है, फ्लेक्स कॉलम। तो फ्लेक्स कॉलम का मतलब क्या होता है, जो भी आइटम्स रहेंगे, मतलब जो भी जो डिव या फिर जो कंटेनर आप ऐड करेंगे वो इस पैटर्न में यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। तो मोबाइल्स में हम लोग कॉलम्स के वे में जाते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल में ऐसे दिखती है ना चीज़ें, ऐसे स्क्रोल होती है, तो मोबाइल्स में हमें कॉलम्स पैटर्न चाहिए, और जो डेस्कटॉप या फिर बिग स्क्रीन्स है उसमें हमें इस पैटर्न में चाहिए, यानी रो पैटर्न में, राइट। तो इसको कैसे हैंडल करें, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे, यहाँ जो फ्लेक्स कॉलम आप देख सकते हैं ना, ये जो फ्लेक्स कॉलम है ये डिनोट कर रहा है कि जो भी तुम आइटम्स इसमें ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें एक कॉलम पैटर्न में ऐड होंगी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको बेटर तरीके से कोड को समझना इजी हो जाएगा। एक नया बार हमने क्रिएट किए, उसके बाद में एक हीरो सेक्शन, ठीक है। इस हीरो सेक्शन में हमारे पास एक फ्लेक्स कॉलम हमने ऐड किया, ठीक है। इसको मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ,
यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब फ्लेक्स कॉलम, अब हमें जो बड़ी स्क्रीन है मतलब बिग स्क्रीन्स में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मीडियम या फिर बिग स्क्रीन्स में हमें फ्लेक्स रो चाहिए, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पे हैंडल कर लेगा, जैसे बड़ी या फिर छोटी स्क्रीन्स में हमें एक रो मिल जाएगी, और वही अगर मैं स्मॉल स्क्रीन में अगर इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो हमारे लिए कॉलम बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जो भी स्पेसिंग वगैरह है वो आप हैंडल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको आई होप समझ गई होगी, पर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इसको हैंडल किया, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिवनेस भी हमारा हैंडलिंग हो गया। अब हम स्पेसिंग पे काम करते हैं, ठीक है। तो जो लेफ़्ट आइटम है उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बिगड़ गई यहाँ पे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये जो हमारा लेफ़्ट आइटम है, ठीक है, ये जो लेफ़्ट आइटम है इसमें हमको स्पेस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट आइटम में हैंडल करना है तो पैडिंग में ऐड कर देता हूँ यहाँ से पैडिंग 8, ठीक है। तो चारों साइड से पैडिंग ऐड हो चुकी। अब जो हीरो सेक्शन है यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ों को ईजीली कर देगा, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा स्पेस हो गया, पैडिंग 32 इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग टॉप पैडिंग 8 कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। जब भी हम स्टेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे ये MD या फिर हमने यहाँ पे ऊपर होवर भी स्टेट यूज़ किया था ना, एक यहाँ पर एक होवर स्टेट यूज़ किया था, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये जो चीज़ें हैं ये हम एंड में लिखें, राइट। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि स्टेट्स को इस तरीके से लिखा जाए, तो बेटर अप्रोच ये रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा ये सेक्शन, फीचर्स का सेक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर सेम ही है पूरा, जैसे यहाँ पर क्रिएट किया एक इमेज और यहाँ पर एक लेफ्ट सेक्शन, तो इसको मैं इस सेक्शन को नाम हम दे देंगे फीचर्स सेक्शन, ठीक है, फीचर्स सेक्शन इस तरीके से। अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम लेफ्ट आइटम, सेम लेफ्ट आइटम और एक राइट आइटम, ठीक है, इसको कमेंट कर देंगे राइट आइटम इस तरीके से। अब इस लेफ्ट आइटम में हमें क्या चाहिए, एक सेक्शन, ठीक है, एक डिव चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, सेम जैसे हमने पहले ही किया, जैसे यहाँ पे हमने एक कंटेनर क्रिएट किया और हमें एक फ्लेक्स कॉलम चाहिए, ठीक है। तो डिव क्लास एक कंटेनर क्रिएट करेंगे हम लोग, एक फ्लेक्स और एक फ्लेक्स कॉलम फॉर स्मॉल स्क्रीन्स। स्मॉल स्क्रीन्स में हमें ऐसे वर्टिकली चाहिए चीज़ें, लेकिन हमें रो लगेगी कब, जब वो बिग स्क्रीन रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लेक्स रो फॉर बिग स्क्रीन्स या फिर मीडियम स्क्रीन्स, ये हो गया हमारा कंटेनर। अब ये जो हमारा हो गया ये मेन कंटेनर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक लेफ्ट आइटम के लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे, उसको हम एक फ्लेक्स दे देंगे, ठीक है, फ्लेक्स कॉलम, और यहाँ पे हम उसको विड्थ दे देंगे मीडियम या फिर बड़े स्क्रीन्स के लिए, विड्थ यहाँ पे असाइन करना ज़रूरी है, हाफ हम दे देंगे, ठीक है, विड्थ हमने दे दिया, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे अगर हम विड्थ, तो जैसे आपको पता है कि पूरा ही वो बॉक्स ले लेता है, तो हाफ स्क्रीन की विड्थ यहाँ पे देना ज़रूरी है। अब उसके बाद में हमें टाइटल चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, सिंपली H2 टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे डेडिकेटेड मेंटर और एक पैराग्राफ में ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसका स्टाइलिंग हम बाद में करते हैं, पहले ऐड कर देते हैं इसको इस तरीके से। अब इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ऐड हो गया। अब हमें स्पेसिंग लगेगी, राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट आइटम। अब एक राइट आइटम भी ऐड कर ही देते हैं, फिर स्टाइलिंग पार्ट में जाते हैं। एक इमेज में ऐड कर देता हूँ SRC, जैसे हमने पहले ऐड किया एक फ्लेक्स बॉक्स बना के, उसमें हम ऐड करेंगे इमेज को, ठीक है। इमेज में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे टीम की फोल्डर के अंदर, तो वो इमेज हम यहाँ पे देख सकेंगे timo.png, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें इसकी स्टाइलिंग हैंडल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें MX ऑटो ऐड कर देंगे, तो उससे ऑटोमेटिक स्पेसिंग ऐड हो जाएगा। इसमें नहीं, सॉरी, इसमें जो मेन कंटेनर है हमारा
जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, उसमें MX ऑटो ऐड करना, ठीक है। अब इसमें पैडिंग भी एक ऐड कर ही देते हैं, फीचर 20, चारों साइड से पैडिंग लगेगा। उसके बाद में डेडिकेटेड मेंटर की स्टाइलिंग करते हैं। अभी क्लास हमें फॉन्ट बोल्ड चाहिए प्रॉपर, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 3XL हो जाए तो अच्छा है। इस तरीके से यहाँ पे PB कर देता हूँ मैं, PB यानी पैडिंग बॉटम 7, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया स्पेसिंग, इसको 4 कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा कैपिटल में चाहिए टाइटल तो आप बड़ा कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। आपको जितने भी पॉइंट्स या फीचर्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अब हर इसमें यहाँ पे एक हमें लगेगा, राइट, स्पेसिंग। तो हम क्या करेंगे, एक पैडिंग बॉटम हम इसमें भी ऐड कर देते, क्लास पैडिंग बॉटम 4 इस तरीके से। तो हर जगह पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगी। बहुत ही क्लीन वे में आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को विदाउट लीविंग योर HTML, यहीं के यहीं सब हो जाता है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगा। अभी यहाँ पे टाइटल्स हम प्रॉपर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे। पेज स्टडी एट योर ओन पेस, गेट योर डाउट्स सॉल्व एवरी सैटरडे। उसके बाद में हमारा है डिस्कस इन द कम्युनिटी, ठीक है। ये प्रॉपरली हमने टाइटल्स को ऐड कर दिया और बाकी की चीज़ें रिमूव कर देते ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड सेक्शन। अब आता है हमारा थर्ड सेक्शन जो है फुटर। अब फुटर ऐड करने के लिए हमें पता है कि एक लोगो है, यहाँ पे लिंक्स ऐड करनी है हमें, और एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स ऐड है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, फुटर सेक्शन आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सेम डिज़ाइन किया है। अब जैसे हमने यहाँ पे सेक्शंस डिज़ाइन किए थे ना ऊपर दो, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, फ्लेक्स की मदद से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक फ्लेक्स है और एक कॉलम है, ठीक है। मतलब कॉलम मतलब मोबाइल्स में हमें इस पैटर्न में चाहिए, ठीक है। और जो बड़ी स्क्रीन से या फिर मीडियम स्क्रीन है उसमें हमें इस तरीके से चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है, एक सेक्शन यहाँ पे, दूसरा सेक्शन यहाँ पे, थर्ड सेक्शन यहाँ पे। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे हैंडल करना होता है मीडियम फ्लेक्स रो, जैसे हमने ऊपर हैंडल किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पैडिंग एक्स और पैडिंग वाई, जो भी स्पेसिंग से रिलेटेड है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। फिर हमारा आता है लोगो का कंटेनर, उस लोगो में हमने एक डिव ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एक फ्लेक्स क्लास यूज़ कर लिया और उसमें एक डिव ऐड कर दिया, ठीक है। लोगो बेसिक बहुत ही सिंपल है। और जो लिस्ट है, लिस्ट के लिए मुझे अभी एक कंटेनर लगेगा, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक फ्लेक्स लिया और हमें सारे आइटम्स कॉलम में चाहिए। मतलब इसको अगर मैं आपको विजिबल करूं तो ये हमें रो में नहीं चाहिए, ये हमें एक कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए क्या लगेगा, एक फ्लेक्स लगेगा और एक फ्लेक्स कॉलम। तो एक कंटेनर के अंदर एक फ्लेक्स और एक फ्लेक्स कॉलम, तो वो हमारा ये डिज़ाइन कर देगा प्रॉपरली, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला डेव जो है ये वाला, उसमें भी सेम चीज़ किया। और यहाँ पे हमने स्टेट्स ऐड कर दिए है लिंक्स के अंदर, होवर टेक्सलेट 400। और लास्ट में एक इनपुट कंटेनर हमने ऐड किया है जिसमें एक इनपुट टैग है, इनपुट फील्ड है, उसमें हमने कितनी उसकी विड्थ चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे हैंडल किया, जैसे राउंडेड फुल, मतलब फुल बॉर्डर रेडियस चाहिए, फोकस स्टेट हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, जिसका आउटलाइन नन है, और पैडिंग X4। तो इसका अगर और एक बटन ऐड किया है जो हमने ऊपर ऐड किया था ना, सेम यहाँ पे वो बटन ऐड किया है। आई होप कि आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से टेलविन CSS की मदद से वेबसाइट हम कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो ये पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसने हैंडल कर ली, राइट। तो आई होप कि आपको टेलविन CSS से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फ्लेक्स क्लास से रिलेटेड अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और लाइक तो आप कर ही देते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।